मैं कम इन सर। हाँ कम इन सर। अरे ये फाइल तो मैंने तुम्हें बत्रा सर के साइन करवाने के लिए दी थी ना। यस सर। तो लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, बत्रा सर के सिग्नेचर से पहले क्या मुझे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए? मुझे किसी साजिश का शक है सर। सर मुझे लगता है जो आग लगी है ये एक्सीडेंटल नहीं बल्कि जानबूझ के लगाई गई। सर मुझे ये बात साबित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे दे दीजिए। पर चांदनी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो क्योंकि लैब की रिपोर्ट्स तो क्लियर है। सर ट्रस्ट मी, मेरे पास लीड्स हैं। सर प्लीज 24 घंटे दे दीजिए मुझे, मैं सच आपके सामने लाते रहूंगी। ओके चांदनी, आई ट्रस्ट यू। लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे सच प्रूफ करने के लिए। यस सर, थैंक यू। यू वेलकम। रोशनी तूने क्या किया? तूने चांदनी दी को सब कुछ बता दिया, अपना सब बर्बाद हो जाएगा। तुझे पता तो है चांदनी उसोलो की कितनी पक्की है, किसी भी गलत चीज का साथ नहीं देती है वो। रोशनी तेरे को ना उसको ये सब नहीं बताना चाहिए था। कुछ नहीं होगा निर्भय, कुछ नहीं होगा। दी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने दी से बात की है, उनको समझाया कि तूने कितनी मजबूरी में अपना क्लब चलाया। वो री इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। तू जानती है अपनी दी को, फिर भी तू ऐसा कह रही है? हाँ निर्भय, मेरी दी अपने उसूल से ज्यादा मुझसे प्यार करती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है। रोशनी चांदनी दी को बताने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। पता नहीं क्या सबूत ढूंढ रही होगी वो, क्या खोज रही होगी। इसके चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि इसने खुद अपने क्लब को जलाया है। जिस रात क्लब में आग लगी उस रात मैंने खुद देखा था निर्भय, चौक के पास वाले पेट्रोल पंप से कैन में पेट्रोल खरीद रहा था। निर्भय का आया क्यों नहीं अभी तक? वो लो आ गया। आपके दोस्त को भी उस रात मैंने कैन में पेट्रोल दिया था। हाँ निर्भय ने खुद ही अपने क्लब में आग लगाई। बहुत टाइम से मेरे क्लब के पीछे पड़ा है, अब जब क्लब नहीं बचा तो खैर इंश्योरेंस के पैसों के लिए मैंने ही अपना क्लब लाइटर से जला दिया। लाइटर? लाइटर कहाँ है? ऐसे कैसे हो सकता है? एविडेंस में लाइटर का नाम ही नहीं है, एक बस लाइटर ही है जो इस साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। रोशनी तूने चांदनी से बात करी क्या? चांदनी ने किसी से कुछ कहा तो नहीं ना फायर स्टेशन में? निर्भय रिलैक्स, मेरी दी से बात तो नहीं हुई है लेकिन मैं जानती हूँ वो किसी को कुछ नहीं कहेगी। तू बस कर यार रोशनी यार, और थक गया हूँ तेरी बात सुन सुन के। मुझे फुल प्रूफ चाहिए कि चांदनी किसी से कुछ नहीं कहेगी। हेलो निर्भय, तेरी रोशनी की सत्यवादी बहन चांदनी ने ना सब रायता फैला दिया है। चांदनी ने मानव को बता दिया है उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, उसे लगता है कि आग जानबूझ के लगाई गई है, शॉर्ट सर्किट हुआ ही नहीं है। क्या? हाँ पर लैब रिपोर्ट में तो यही लिखा था कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। लैब टेस्ट गया तेल लेने। चांदनी को अगर तेरे खिलाफ जरा सा भी सबूत मिल गया ना वो सैंपल दोबारा टेस्ट करवाएगी, केस रीओपन होगा और तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तरुण को जुगाड़ देख ढिल्लन, अगर मैं डूबा ना मैं तुझे साथ लेकर डूबूंगा। भाई कुछ जुगाड़ उसे। किससे बात कर रहे थे तरुण? तरुण सीनियर हूँ तुम्हारा, सर बोलो। इज्जत सिर्फ उनको मिलती है जो उसके लायक होते हैं। किससे बात कर रहे थे? तुम्हें से मतलब? तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। तुम्हें क्यों बताऊँ जिस मर्जी से बात करूँ? फोन तो मुझे। चांदनी मेरा फोन छोड़ो। चांदनी मेरा फोन छोड़ो। तरुण फोन छोड़ो। चांदनी। चांदनी। तुम निर्भय से बात कर रहे थे? किस लिए? तुम्हें से क्या? तुम होती कौन पूछने वाली? जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तुमने मुझे टॉर्चर किया, शर्मिंदा किया, ताने मारे लेकिन मैं चुपचाप सुनती रही। क्यों?
तो कितने मेरे सीनियर, लेकिन अब नहीं। दोबारा पूछ रही हूँ, तुमने निर्भय को कॉल क्यों किया? तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। शर्म नहीं आती है तुमको? हाँ, एक क्रिमिनल का साथ दे रहे हो, अपने ही डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी कर रहे हो। अरे इस यूनिफॉर्म की तो इज्जत कर लेते। आज तक तुमने मेरे पापा के लिए इतना कुछ बोला, इतने ताने मारे, जबकि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया था। निर्दोष थे वो, ईमानदार थे, और तुम क्या कर रहे हो? इतना बड़ा क्राइम करो, तुम्हें मैं ये क्राइम नहीं करने दूंगी। तरुण बिहेव, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। शट अप, कॉलर से हटाओ। शट अप चांदनी, कॉलर छोड़ो मेरा। जी ये बताओ, निर्भय को कॉल क्यों किया? इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उसको? हाँ, रिपोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अपने डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी कर रहे थे। शर्म नहीं आई तुमको? चांदनी कॉलर छोड़ो, चांदनी छोड़ो उसे, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। छोड़ो उसे, चांदनी हट, चांदनी शांत हो जाओ। कैसे हो जाओ सर? नहीं हो सकती सर मैं शांत। जब से ये केस शुरू हुआ है ना, तब से मेरी जिंदगी उलझ गई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसने कुछ किया है, और मैं इसे चांदनी, चांदनी एनफ सर, ये झूठ बोल रहे हैं। एनफ तरुण, क्या हो रहा है सब? इसी से पूछो। ये पागलों की तरह मुझ पे अटैक कर रही है। हम पब्लिक सर्वेंट है और निर्भय विक्टिम। वो सिर्फ अपने केस के बारे में मुझसे बात कर रहा था, और मैं उसे सिर्फ वही बता रहा था। झूठ बोल रहे सर, ये झूठ बोल रहे। चांदनी मेरे केबिन में जाओ, मैं आता हूँ। सर मैंने कहा मेरे केबिन में जाओ, मैं आता हूँ। गो। आप सब लोग भी जाइए, अपना काम कीजिए। तरुण 15 मिनट में मेरे केबिन में मिलो। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। रोशनी अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ। चांदनी इस बार तेरी कोई मदद नहीं करने वाली, तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। वो इस बार भी ऐसी लड़ेगी जैसे वो अपने पापा के लिए लड़ी थी। उसके लिए सच सच है और गलत गलत है। निर्भय मेरी बात सुन। और तेरी बहन को लगता है कि हम गलत है, क्योंकि उसको लगता है कि हमने खुद को बचाने के लिए सब किया है। वो इंश्योरेंस फ्रॉड समझती है। वो सिर्फ ये देखेगी कि मैंने पैसों के लिए क्लब चलाया, ये नहीं कि मैंने कदम क्यों उठाया। रोशनी तेरी बहन ने इस बार मुझे छोड़ेगी नहीं। वो सारे सबूत इकट्ठे करके मुझे जेल भेजवा देगी। सब बर्बाद हो गए, हम अलग हो जाएंगे, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। चांदनी क्या हो गया है तुम्हें? चांदनी अरे, अपने सीनियर के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? तरुण पर तुमने हाथ कैसे उठा लिया? देखो चांदनी, फायर डिपार्टमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें तुम तोड़ नहीं सकती। सर, वो तरुण निर्भय से बात कर रहा था, वो उसके साथ मिला हुआ है। निर्भय ने अपने क्लब को आग जानबूझ के लगाई थी, और ये बात तरुण डिपार्टमेंट से छुपा रहा है। ये रही उस आग की फाइल। कहां लिखा है इसमें कि निर्भय ने जानबूझकर आग लगाई थी? सर लेकिन मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना है। चांदनी केस किसी भी कही सुनी बात पर ना रिपोर्ट होता है ना क्लोज। किसी भी केस में कुछ साबित करने के लिए एक पुख्ता सबूत की जरूरत होती है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। या तो तुम पुख्ता सबूत लेकर आओ, या तो मेरे डिपार्टमेंट में तमीज से रहना सीख लो। सर ये केस मेरे लिए भी बहुत सीरियस है। ये केस मेरी रोशनी से जुड़ा हुआ है। अपनी वर्दी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए ना, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम रिश्ते को दांव पे लगाया हुआ है, और मैं साबित करके रहूंगी कि वो आग एक हादसा नहीं था, एक साजिश थी। मैं सबूत लाऊंगी और क्रिमिनल को उसकी सजा दिलवा के रहूंगी। सर तो फिर तुम्हारे पास टाइम ज्यादा नहीं है चांदनी, टाइम वेस्ट मत करो। निर्भय निर्भय रुक, निर्भय मेरी बात सुन, निर्भय निर्भय एक बार मेरी बात तो सुन। क्या करूं यार, रुक के रोशनी क्या करूं यार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है और मुझे जेल नहीं जाना है। प्लीज प्लीज मुझे यहां से जाने दे। रोशनी तू भी चलना यार मेरे साथ, हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ चल रोशनी, इससे पहले कि पुलिस मुझे आके अरेस्ट कर ले, हम दोनों अमृतसर छोड़ के भाग चलते हैं। रोशनी तू रहने दे यार, पता है मैंने, तू कभी मेरा साथ नहीं देगी। तू क्यों देगी मेरा साथ? तू तो तेरी बहन इंपॉर्टेंट है ना, हमारा प्यार, हमारे वादे, हमारे रिश्ते सब जुड़ा था तेरे लिए। मैं जा रहा हूँ यार, मैं अकेला ही जा रहा हूँ यार। निर्भय प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं तेरे से दोबारा बात करती हूँ। प्लीज हम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं बात करूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना कुछ समझना है।
तूने जो कह दिया तो कह दिया, मेरी बात सुन ले, मैं जा रहा हूँ और मैं अकेला रह लूंगा। निर्भय, निर्भय रुक, निर्भय एक बार शांति से मेरी बात सुन ले। निर्भय निर्भय, ऐसा मुझे कुछ नहीं सुनना यार। रोशनी, मुझे सिर्फ इतना सुनना कि तू मेरे साथ चल रही है या नहीं। तू रहने दे यार रोशनी, तुझसे नहीं होगा, मैं समझ लूंगा तेरे वादे और तेरा प्यार सब झूठा था। निर्भय रुक प्लीज, रुक जा निर्भय। निर्भय स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।